नमस्ते, म सुदेव सुगर तामाङ। मेरो गोर्खा भाषामा शब्द छ है। आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। हिन्दीमा किन बोल्दैछु भन्दाखेरि गोर्खा टेलिस्टाममा भनेर त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट्सहरू नगरिदिनुहोस् होला, किनकि म दार्जिलिङबाट बिलोङ गर्छु। किनकि म इन्डियाबाट बिलोङ गर्छु है, दार्जिलिङ चाहिँ इन्डियाको हो। कतिजनाको नेपालमा पनि छ, मेरो फलोअर्सहरू नेपालीहरू छ है, भाइहरू पनि छ। उहाँहरूलाई अब हिन्दी त बुझ्छै बुझ्छ सबले। त्यही भएर अब हामीले अलिकति गोर्खा ट्रेडिसनललाई मैले अलिकति मतलब यसलाई यसको हामीले हाम्रो खानालाई अलिकति मैले प्रमोट गर्दैछु है। हामीले अलिकति हिन्दीमा बोलेर म बनाउँछु। यो चिन्डे तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला है। ओके, आज मे चिन्डे का अचार बना रहा हूँ मैं। चिन्डे दार्जिलिंग सिक्किम और नेपाल में ज़्यादा मिलता है ये, और ये मेडिसिन के रूप में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्पाइसी मतलब ये मतलब सब्जी में सब्जी से ज़्यादा ये अचार में हम लोग ज़्यादा खाते हैं इसको। ऐसा मतलब जब बॉडी पेन होता है ना, उस टाइम पर हम लोग ये चिन्डे का अचार बना के खाते तो शरीर एकदम फिट होता है। एकदम मेडिसिन के रूप में एकदम दार्जिलिंग सिक्किम नेपाल में ज़्यादा मिलता है। आप देखिए कैसा बनाता है। आप लग रहा होगा चिंडे होता है क्या। चिंडे का एक पेड़ रहता है, पेड़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। चिंडे चिंडे का आप देखिए, ये चिंडे का लीफ है जो ऊपर का छोटा छोटा लीफ है, इसका मैं आज अचार बना रहा हूँ। ये हमारा घर का ट्रेडिशनल अचार है। आप सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ चिंडे। ओके, चिंडे का लीफ ऐसा होता है, थोड़ा कड़वा रहता है इसका, मतलब ज़्यादा कड़वा नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा रहता है। थोड़ा इसको ब्लांच करके बॉयल करके इसको पकाना पड़ेगा। थोड़ा मतलब अच्छा इसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा मैंने इसको बैलेंस करने के लिए कोरिएंडर लीफ भी डालूँगा। और स्पाइसी के लिए देखिए, ये भी माउंटेन चिल्ली है। आप लोग ने देखा होगा नेपाल सिक्किम ज़्यादा दार्जिलिंग में होता है ये माउंटेन चिल्ली। और ये नमक में डाल के रखा है, बहुत मोस्ट स्पाइसी है आप देखिए। और ये कद्दू का सीड है देखिए आप। इसका साथ में आज अचार बना रहा हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें लगने वाला सामान। सॉल्ट आप टेस्ट के साथ अनुसार डाल सकता है। ओके, इसके सबसे पहले मैं ब्लांच कर लेता हूँ, मैं बॉयल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं गैस को चालू कर लेता हूँ। मैंने पैन भी रख दिया। ओके, एक साइड पे मैं दूसरा पैन डाल लेता हूँ। और ये आपने देखा होगा ये कद्दू का सीड पम्पकिन का, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं रोस्ट करूँगा। रोस्ट करके चिंडे के साथ बनाने वाला हूँ मैं आज। और ये पानी भी हीट हो चुका है। अब मैं चिंडे का लीफ बॉइलिंग मोड में डाल दे रहा हूँ। देखिए अच्छी तरह से इसका रोस्ट भी, ये कद्दू का सीड रोस्ट हो रहा है। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करने का, ज़्यादा इसको जलाने का नहीं, मतलब बर्निंग फ्लेवर आ जाएगा जब ब्राउन टाइप का। अच्छी तरह से इसका रोस्ट कर लेगा हम स्लोली स्लोली। देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है कद्दू का सीड, ठीक है। तो कद्दू का सीड हो चुका है। साइड पे रख लेता हूँ। ओके, यो अलमोस्ट यो चिन्डे बोइल भइसकेको छ है। यसमा मैले ठन्डा पानी राखेको छु। सबसे पहिला म ग्यास बन्द गर्दैछु है। यो चिन्डेलाई चिसो पानीमा हाल्नुपर्छ।
हाँ, ये मैं ठंडा पानी में घी डाला है, मतलब ये ठंडा पानी में डालने से इसका कलर अच्छा रहता है, मतलब देखिए एकदम ग्रीन कलर का हो गया, तब तो अच्छा, एकदम ठंडा भी हो गया है, एकदम आइस रहेगा तो आइस की ऊपर भी डाल सकता है। ये ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, इसका अभी मैं अचार बना रहा हूँ, आप देखिए कैसे बनाता है। मिक्सर में जैसे आप लोग बनाता है ना, तब तो उसका जितना ये रगड़ रगड़ के हम लोग इसको पेस्ट बनाता है ना, उतना टेस्ट नहीं आता है। देखिए ऑलमोस्ट ये इसका चिंदे का पेस्ट बन चुका है एकदम, इसका जो फ्लेवर रहता है ना मस्त रहता है, मतलब ये प्लेटर के रूप में भी लोग यूज़ करता है। देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं एक प्लेट पे डाल देता हूँ, देखिए आप चिंदे का अचार बन चुका है, आप देखिए। तब ये पत्थर के उसमें मैंने पीस पीस के बनाया है ये चिंदे। कैसा लगा ये चिंदे का अचार, प्लीज कमेंट्स शेयर करना भूलो मत। थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा मैं, वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।